मुंबई से सटे नालासोपारा के तुलिंज पुलिस ने तीन ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो एक गायक कलाकार को राह चलते लूट के फरार हो गए थे। दरअसल एक गायक कलाकार देर रात अपने किसी कार्यक्रम से घर की ओर लौट रहा था कि तुलिंज पुलिस स्टेशन के पास स्थित अलायंस हॉस्पिटल की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसका रास्ता रोका और चाकू की नोक पर लैपटॉप, मोबाइल और नकदी लूट के फरार हो गए, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने तुलिंज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपियों को नालासोपारा के अलकापुरी इलाके से गिरफ्तार किया। पेश है हमारे नालासोपारा के संवाददाता मंगेश निषाद की एक खास रिपोर्ट। सर बताइए, ये जो आपने आरोपी पकड़े उसके बारे में क्या जानकारी है? पुलिस स्टेशन में CR नंबर 294 का दाखिल हुआ था। सोमवार नाइट में एक सिंगर को दो आरोपी ने अलायंस हॉस्पिटल के नजदीक वल्लभ अपार्टमेंट है वहां पे चाकू दिखा के उनके पास का मोबाइल, लैपटॉप और कुछ रकम उनकी छीनी थी। हमारी टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हमने दो लोगों को पकड़ा अलकापुरी से। एक का नाम है अजीत कनौजिया, दूसरे का नाम है नजीम कुरैशी। उनको ताबे में लेके उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने वो गुनाह किया वो हमने निष्पन्न किया। चोरी किया हुआ लैपटॉप, मोबाइल सब रिकवर करके उनको आगे कार्रवाई के लिए तुलिंज पुलिस स्टेशन में जमा किया है।